हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों 20 मार्च हो चुका है और हम लोग जो है आपको जिसे मैं बताया था वीडियो में कि प्रियंका का एग्ज़ाम वगैरह हो गया है और अब जो है न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो एग्ज़ाम हम दे के आए हैं वो एग्ज़ाम जो है अब लीक हो चुका है और अब वो एग्ज़ाम दोबारा होगा, क्या होगा पता नहीं है। कोई नहीं दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग बिहार गए थे, वो भी गाड़ी से गए थे, इतना खर्चा लगा हमारा। अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि पेपर ही लीक हो गया है, मतलब कि अब भरोसा ही ख़त्म हो गया कि अब क्या करें। तो न्यूज़ कोई कह रहा है कि पेपर दोबारा होगा, कोई कह रहा है नहीं पेपर अब नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। देखते हैं जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो का और आप लोगों को न्यूज़ भी आपको मिल ही जाएगी क्या होगा नहीं, क्या हुआ है नहीं हुआ है। कोई नहीं दोस्तों, हम लोग तैयार हो गए हैं ऑफिस के लिए। तो अब अपना जो काम जो है जहाँ हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ तो हमें जाना ही है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज की जर्नी। थैंक यू दोस्तों। सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारे दक्ष भाई साहब जो हैं अभी तक सो ही रहे हैं। दक्ष, दक्ष बेटा, कुछ ज़्यादा ही रात इन्होंने रात में इन्होंने बॉल से खेला है, भाग दौड़ करी है, तो इस चक्कर में गहरी नींद में सो रहा है अभी। कोई नहीं, जब उठेगा अपना दूध पिएगा। तो दक्ष अब जग गया है, उठ गया है। गुड मॉर्निंग दक्ष, क्या हुआ दक्ष? गुड मॉर्निंग बेटा, अभी भी नींद आ रही है। आओ मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं दोस्तों, अभी ऑफिस के बाहर ही हूं। और दोस्तों मैंने ऑफिस पहुंच के सिस्टम वगैरह ऑन कर लिया है सबको गुड मॉर्निंग बोल के, और अपना आप काम शुरू करते हैं दोस्तों। बाकी कस्टमर से कुछ मीटिंग है, मीटिंग करनी है क्योंकि JFM चल रहा है, मार्च ख़त्म होने वाला, क्लोजिंग चल रही है अभी। तो अभी सारे काम फाइनली दोस्तों मैं अब निकल रहा हूँ ऑफिस से और 7 बजने वाले हैं और इसके बाद सीधा घर ही जाऊँगा। दक्ष का तबीयत सही से नहीं लग रही है, फ़ोन आया था घर से और देखते हैं जाकर क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे। दोस्तों फाइनली मैं घर आ गया हूँ और दक्ष गुस्सा है मेरे से, मैं देख रहा हूँ दक्ष मेरे से गुस्सा है, बात नहीं कर रहा है। पूछता हूँ क्यों बात नहीं कर रहा है। दक्ष क्या हुआ बेटा, आप गुस्सा हो मेरे से? गुस्सा हो? गुस्सा नहीं होते बेटा, गुस्सा नहीं होते। चलो चलो पार्क में खेलने चलते हैं, चलो बॉल बॉल खेलने चलते हैं, बॉल खेलने चलते हैं बेटा। बाहर चलते हैं, दक्ष जाएगा सामान बॉल लाना। खेलने मेरे साथ, देखो अभी हाँ, जाएगा। सामान भी लाना है घर का, ऐसे घुमा के ले आते हैं। ठीक है हम ठीक है सुबह ठीक है, चलेंगे, ओके ओके चार बजे ओके चल लेंगे। ओके। होली के दोस्तों फाइनली जो है मैं दक्ष के साथ पार्क में खेलने आया हूँ बॉल, और अभी आधा एक घंटा हम लोग हैं पार्क में ही खेलेंगे, यहाँ पे मस्ती करेंगे। दोस्तों दक्ष रोज़ मेरा वेट करता है कि हम कब पापा आएंगे शाम को, जब पार्क जाएंगे हम लोग बॉल खेलने के लिए। मैं जब भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कम से कम 20 आधा घंटा जो है इसके साथ पार्क वगैरह में जाकर खेलूँ। देख सकते हैं क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? चिया नहीं है, खेलो। मैं अब सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ, सब्जी वगैरह ले लेता हूँ घर के लिए, निकलते हैं दोस्तों। दोस्तों एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो गई है, शायद अभी न्यू नोटिफिकेशन आया,
दोस्तों फाइनली जो है एक न्यूज़ निकल के अभी आई है कि जो बीपीएससी टायर 3 का जो एग्ज़ाम था वो जो प्रियंका हम लोग जो गए थे बिहार देने के लिए वो कैंसिल हो गया। और पहले तो न्यूज़ जब जिस दिन हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था मतलब कि उसी दिन से न्यूज़ आ रही थी कि पेपर लीक हो गया, दो तीन दिन पहले ही पेपर लीक हो गया। तो फाइनली अभी जो न्यूज़ आई है कि बीपीएससी की साइड पर कि कैंसिल हो गया है, थोड़ी सी खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि हम लोग बिहार इतने दूर गए और हमें कुछ मतलब कि इतना मेरा पैसा भी खर्च हो गया, हम लोग बिहार गाड़ी से गए थे इतना दूर ड्राइव करने के बाद गए थे, तो थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एग्ज़ाम जो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं और किराया मेन तो होता है किराया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरे कम से कम 15-16 हज़ार रुपये खर्च हो गए आने और जाने में मेरे, और परेशानी जो है अलग हुई क्योंकि और पर से मैं 4 दिन की छुट्टी करके गया था दोस्तों, और बैंकों में जो है 4 दिन की छुट्टी करना वो भी मार्च के महीने में मतलब कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, और छुट्टी लेना जो मेरे सीनियर है मेरे बॉस जो है वो बहुत अच्छे हैं इस वजह से मुझे छुट्टी मिल गई थी, बट लेकिन ऐसे छुट्टी मिलती नहीं है मार्च में एम्प्लॉयों को, जो कि अगर कोई बैंक में जॉब करते होंगे तो उनको पता ही होगा। तो फाइनली जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, अब एग्ज़ाम आई थिंक मुझे लग रहा है कि मई में जो इलेक्शन है अप्रैल के बाद जून के बाद आई थिंक एग्ज़ाम दोबारा रिशेड्यूल होगा, देखते हैं अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों जो भी लोग आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को ताकि और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में डालूं वो आपके पास नोटिफिकेशन ईजीली पहुंच जाए। दोस्तों मैंने बिहार में जब मैं बिहार शरीफ एग्ज़ाम दिलवाने के लिए गया था तो वहाँ पे नालंदा जो है पास में ही था, तो मैंने वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है मैंने वहाँ पर ब्लॉग बनाया है, तो मैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को अपलोड करूँगा, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों और शेयर करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों मतलब कि जब मैं नालंदा गया था तो वहाँ पे जब मुझे लगा कि नहीं जब मैं इतना दूर आ ही गया हूँ तो यूनिवर्सिटी भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुना ही होगा, तो पास जाके देखते हैं क्या है, बहुत मतलब कि उसके बारे में पढ़ा था मैंने, तो जाके मैंने फाइनली मैं जाके मैंने वहाँ पर देखा भी और वहाँ पर जाके मैंने ब्लॉग भी बनाया, और मैंने जो भी मैंने देखा है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा उस वीडियो के अंदर, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर मिस मत करना दोस्तों, पूरा वीडियो देखना दोस्तों।